तो स्वागत है दोस्तों असैसिन्स क्रीड वेलहेला में। आज हम खेलेंगे ऑरलॉग और सीखेंगे कैसे खेलते हैं ऑरलॉग। तो मेरे पास सारे गॉड फेवर्स हैं, मैंने ऑलमोस्ट के सभी ऑरलॉग जो प्लेयर्स थे गेम में उनको हरा दिया है। तो अब हम लोग खेलते हैं ऑरलॉग। तो पहले गॉड फेवर्स समझ लेते हैं। आपके पास स्टार्टिंग में सिर्फ ये थॉर्स स्ट्राइक रहेगी, जिसमें आप 4 टोकन यूज़ करोगे तो 2 डैमेज, 8 टोकन यूज़ करोगे तो 5 डैमेज, 12 टोकन यूज़ करोगे तो 8 डैमेज। ऐसे आपके पास और भी गॉड फेवर्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन पहले मैं आपको और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं ऑरलॉग में वो बता देता हूँ। पहले आप टॉस करते हो, ठीक है, उसके बाद रोल फेज आता है। अब जो डाइस होती हैं वो आप देख सकते हो अलग अलग फेसेस की हैं, तो एक डाइस में एक एरो, एक उसको ब्लॉक करने के लिए शील्ड, एक एक्स को ब्लॉक करने के लिए सोल्जर का हेलमेट, और एक हाथ होता है। जो हाथ होता है वो थेफ्ट के लिए होता है। जो टोकन्स होते हैं इसमें, जैसे मैं आपको दिखाऊंगा, तो टोकन्स को अपोजिट वाली टीम से चुराने के लिए होता है। तो मैं पहले डाइस रोल करता हूँ, तो आपको डाइस रोल करनी है। पहले डाइस रोल करने के बाद आपको देखना है कि रेड स्क्वायर्स जितने भी हैं आपके शुरू में, तो आपको शुरू में क्या करना है, मैक्सिमम आपको रेड स्क्वायर वाले ही डाइस चूज़ करने हैं। तो जैसे ये रेड स्क्वायर में डाइस है, फ़र्क नहीं पड़ता क्या है, एरो है, एक्स है, शील्ड है, हेलमेट है, थीफ का हाथ है, वो फ़र्क नहीं पड़ता। आपको पहले दूसरे राउंड में अपने टोकन्स बढ़ाने, तो टोकन्स आप इसी से बढ़ाओगे, जितने आपके रेड स्क्वायर वाले डाइस होंगे उतने आपके पास टोकन्स आएंगे। तो ये मैंने कर दिया, अब मैं इसको कन्फर्म कर देता हूँ। अब ओपोनेंट चलेगा, ओपोनेंट ने भी देखिए रेड स्क्वायर वाली डाइस ही चूज़ की है, ठीक है। अब आप देखेंगे एक्स एक डैमेज करता है, हेलमेट एक ब्लॉक करता है एक्स को, एरो एक डैमेज करती है और शील्ड एरो को ब्लॉक करती है, थीव जो है अपोनेंट के टोकन को स्टील करता है, और जो रेड स्क्वायर होते हैं वो आप एक टोकन आपको बनाते हैं उसका, ठीक है। तो ये तो हो गए आपके हेल्थ, ये आपकी हेल्थ है। तो टोटल आपका होता है 1 2 3 4 5 5 10 और 5 15, टोटल 15 हेल्थ होती है आपके पास। अब मेरे पास 4 स्क्वायर आ चुके हैं और मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास 2 थेफ्ट के हैं, ठीक है, तो मैं यही ले लूँगा ताकि मैं जो ओपोनेंट के टोकन आएंगे उनको चुरा सकूँ। मैंने ये ले लिया, ठीक है, ओपोनेंट ने भी चला, ठीक है। अब गॉड फेवर फेज आएगा। अब या तो आप गॉड फेवर में आप यूज़ कर लो, आपके टोकन इस्तेमाल हो जाएंगे स्टार्टिंग में, पर पहले राउंड में आपको नहीं चूज़ करना है, तो स्किप कर देते हैं। अब आप देखिए टोकन्स आ गए, ब्लॉक हो गया, उसने एक्स से एक मेरा मारा और एक और एरो से मारा, पर मैंने उसके 3 टोकन चुरा लिए। तो आप देखेंगे तो मेरे पास ज़्यादा टोकन है। अब उसकी पहली चांस आएगी। अब मैं अपना रोल करूँगा डाइस, ये रेड स्क्वायर, रेड स्क्वायर, रेड स्क्वायर, और एक ये हाथ चूज़ कर लूँगा ताकि मैं चुरा सकूँ उसका रेड स्क्वायर। जो भी टोकन्स आएंगे ये आपके हेल्थ टोकन्स हैं, ठीक है, उसके पास एक ही टोकन बचा क्योंकि मैंने चुरा लिए थे सब उसके, ठीक है। रेड स्क्वायर के टोकन आ गए, रेड स्क्वायर के डाइस के फेसेस आ गए, तो आप ये यूज़ करेंगे। क्या अब गॉड फेवर में ये भी यूज़ कर सकता हूँ, ये भी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है, पर मैं अभी यूज़ नहीं करूँगा, मैं स्किप करूँगा, मुझे और गॉड टोकन्स इकट्ठे करने हैं।
ठीक है, ये हट गए, इन्होंने दो चुराए मेरे, मैं तीन चुरा लूँगा। ठीक, अब फिर से रोल करते हैं, अब मेरी पहली चांस है। अब देखिए मेरे पास ये आ गया रेड स्क्वायर्स डाई फेसेस में, ये आ गया और ये एक यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं इसको नहीं करूँगा चूज़, एक बार और रोल करूँगा। ठीक है, तो अब मैं ये यूज़ कर सकता हूँ फेवर, एक फेयर्स गिफ्ट यूज़ कर सकता हूँ, जो भी मेजॉरिटी में है वो हो जाएगी डाइस। गॉड फेवर्स के लिए मैं एक बाद में इसी वीडियो के आगे सेक्शन में डालूंगा, अभी मैं उस खेलना सिखा रहा हूँ। और ये वाज बॉन्ड है, 10 टोकन हम करेंगे तो एक हेल्थ बनेगी एक टोकन से। ठीक है, तो अभी मैं थॉर्ड स्ट्राइक चूज़ करूँगा, क्योंकि मेरे पास 12 टोकन से ज़्यादा हैं। ये मैंने टोकन यूज़ किया और देखिए ये फ़ायदा होता है टोकन इकट्ठे करने का, आपके पास गॉड फेवर यूज़ करने के लिए पावर आ जाती है। अब देखिए, अब ये है ये रेड स्क्वायर। ये चूज़ नहीं करेंगे अभी हम, ठीक है। और फिर से मैं चूज कर सकता हूँ थॉर स्ट्राइक। ठीक है, ये मेरी एरो ने एक मारा, अब मैं इसके टोकन चुरा लूंगा और थॉर स्ट्राइक लूंगा। दो उसके हेल्थ टोकन बचे हैं, यूज किया। इसको यूज किया, फिर मैं यूज करूंगा। और ये मैं जीत गया। Well played, stranger. Another round. अब मैं आपको गॉड फेवर के बारे में समझाता हूँ। तो गॉड फेवर में पहला फेवर आपके पास जो स्टार्टिंग में रहता है सिर्फ, वो थॉर स्ट्राइक होता है। बाकी सारे फेवर्स आपको जीतने पड़ते हैं ऑरलॉक प्लेयर्स से पूरे गेम में। ठीक है, दो नॉर्वे में है, बाकी सब इंग्लैंड में है, उससे जीतने पड़ते हैं, तो आपके पास बाकी गॉड फेवर्स भी आ जाएंगे। और वो आपके प्ले स्टाइल पर डिपेंड करता है कि कैसा आप खेलते हो। तो टोटल 20 फेवर्स होने चाहिए आपके पास थॉर स्ट्राइक को मिला के। तो जो थॉट स्ट्राइक है उसमें क्या होता है, टोकन्स, 4 टोकन्स यूज़ करते हो आप तो 2 डैमेज अपोनेंट के हेल्थ टोकन्स को मिलता है, 8 यूज़ करते हो तो 5 डैमेज, और 12 यूज़ करते हो तो 8 डैमेज। ठीक है, इस तरह होता है थॉट स्ट्राइक। और फ्रेयर गिफ्ट का जो होता है उसमें जो आपकी मेजॉरिटी फेसेस होते हैं उसमें एडिशन हो जाता है। तो मान लो आपके 3 एरोज हैं और बाकी जो डाइसेज हैं वो एक एक दो दो हैं। ठीक है, एक एक्स है, 2 शील्ड है, इस तरह से। तो जो मेजॉरिटी में होगी, मान लो 3 एरो हैं तो उसमें एडिशन हो जाएगा। तो 4 टोकन यूज़ करोगे तो 2 एरो बढ़ जाएंगी, 6 टोकन यूज़ करोगे तो 3 एरो बढ़ जाएंगी। ठीक है, और 8 टोकन करोगे 4 एरो, ये फेयर्स गिफ्ट हो जाएगी। वार्स बॉन्ड में क्या होगा, आपके हेल्थ
रीजनरेट करने के लिए होता है। तो जो जितना भी टोकन अपोनेंट यूज़ करेगा गॉड फेवर्स के लिए, ठीक है, वो आपको एंटिसिपेट करना पड़ेगा कि वो यूज़ करता है कि नहीं करता है। तो यूज़ करेगा तो आपकी हेल्थ हील होगी। मान लो आपने 10 टोकन किया, 10 टोकन अपने यूज़ किए, तो 1 हेल्थ पर अपोनेंट्स टोकन मिलेगा। मान लो अपोनेंट ने 4 ही टोकन यूज़ करिए, तो आपके 4 हेल्थ बढ़ेंगे, ठीक है। इस तरह से वास्ट बॉन्ड काम करता है। उसके बाद ब्रूनहिल्ड्स फ्यूरी, ये एक्स को मल्टीप्लाई करता है। तो जितने भी एक्स आपने डाई फेसेस आपने कंफर्म किए होंगे उसमें एडिशन हो जाएगा। तो 6 टोकन करोगे तो जितने भी होंगे उसकी 1.5 गुना एक्सेस आ जाएंगे आपके पास, तो अपोनेंट को ज़्यादा डैमेज आप दे पाओगे। इस तरह 10 में 2 गुना और 18 टोकन यूज़ करोगे तो 3 गुना, ठीक है। उसके बाद फ्रेया स्प्लेंटी, इसमें क्या होता है, आपने मान लो आपको सही नहीं लगी जो आपकी डाइस आई है आखिरी या पहली जो भी, तो आपको और रोल करना है, तो एडिशनल डाइस भी यूज़ कर सकते हो, आप रोल कर सकते हो। तो 2 टोकन यूज़ करोगे तो 1 डाई, 4 टोकन यूज़ करोगे तो 2 डाइस यूज़ वो कर सकते हो आप रोल दोबारा, और 6 करोगे तो 3 डाइस रोल कर सकते हो आप दोबारा। तो एडून्स रिजुविनेशन में क्या होता है, 4 यूज़ करोगे तो 2 हेल्थ यूज़ होगा, 2 हेल्थ आपकी रीजनरेट होगी। 7 टोकन यूज़ करोगे तो 4 हेल्थ रीजनरेट होगी। 8 टोकन यूज़ करोगे तो 6 हेल्थ रीजनरेट होगी, ठीक है। इसी तरह से ब्रागीज वर्व, इसमें क्या होता है, आपने जितने थेफ्ट वाले हैंड रोल किए कंफर्म किए तो उतने आपको टोकन मिल जाएंगे। तो कैसे होगा ये काम, 4 टोकन आप यूज़ कर सकते हो तो 2 टोकन पर थेफ्ट वाली डाई आपको मिलेगा। 8 टोकन आपने यूज़ करते हो तो 3 टोकन पर थेफ्ट वाली डाई, और 12 टोकन तो 4 टोकन पर थेफ्ट वाली डाई, ठीक है। ये तभी आप यूज़ करना जब आपके पास कम से कम 3 थेफ्ट वाली हैंड हो। मिमर्स विजडम, ये आपके 3 टोकन यूज़ करोगे तो 1 टोकन डैमेज यूज़ होगा। जैसे कि आपने अपोनेंट के 3 हेल्थ वो कर दिए, 3 हेल्थ टोकन्स डैमेज कर दिए, तो आपको 3 टोकन मिलेंगे। अगर आपने 5 अपने टोकन यूज़ किए हैं तो 3 डैमेज करने पे आपको 6 मिलेंगे, 7 टोकन यूज़ करें तो 3 डैमेज करने पे आपको 9 मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद आपके होगा स्कैडीज हंट। तो जितने भी आपके इसमें एरो आपने कंफर्म किए होंगे, एरो फेसेस डाइस में कंफर्म किए होंगे, उसमें एडिशन होगा। तो 6 टोकन करते हैं तो 1 एडिशन होगा, 10 टोकन करते हैं तो 2 पर होगा। मान लो आपने 3 एरो आपके डाई फेसेस हैं तो 3 का 6 हो जाएगा 6 टोकन यूज़ करने पे, और 10 करोगे तो 3 का प्लस 2 सब में होगा तो आपका 3 3 3 9 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से फ्रिग्स स्लाइट साइट, अब आप अपोनेंट्स की डाई को इसमें रीरोल कर सकते हो, तो उसका फेस जो डाई फेस है वो अलग हो जाएगा। तो 2 टोकन आप करोगे यूज़ तो 2 रीरोल करोगे डाइस, 3 टोकन यूज़ करोगे तो 3 उसकी अपोनेंट की डाइस रीरोल करोगे, और 4 करोगे टोकन यूज़ तो 4 रीरोल करोगे, ठीक है। उसके बाद हेल्थ ग्रिप, जितने भी एक्स से डैमेज होगा अपोनेंट को, आपके एक्स वाले फेस से अपोनेंट के हेल्थ टोकन को डैमेज होगा, उतने आपके हेल्थ टोकन बढ़ेंगे, ठीक है। तो 6 टोकन यूज़ करने पे, गॉड फेवर टोकन यूज़ करने पे 1 हेल्थ पर डैमेज होगा, 12 यूज़ करने पे 2 हेल्थ पर डैमेज, और 18 यूज़ करने पे 3 हेल्थ पर डैमेज। ब्लाडर्स इनवर्नेबिलिटी, इसमें क्या होता है, इसमें जो आपके शील्ड और हेलमेट होते हैं उसमें एडिशन हो जाता है। तो 3 गॉड फेवर टोकन यूज़ करने पे 1 बढ़ेगा, जितने भी आपके हेलमेट होंगे एक एक ऐड हो जाएगा, या जितने भी शील्ड होंगे एक एक ऐड हो जाएगा। 6 यूज़ करने पे 2, और 9 यूज़ करने पे 3 हो जाएंगे। मान लो आपका आपने 9 टोकन यूज़ किया और आपके पास 1 हेलमेट और 1 शील्ड है तो प्लस 3 हो जाएगा, 4 4 हो जाएंगे दोनों, ठीक है। विडाज माइट, अपोनेंट के डिफेंसेस हटाने के लिए होता है ये, तो हेलमेट अपोनेंट के गायब कर देगा ये। तो 2 टोकन गॉड फेवर टोकन यूज़ करने पे
दो हेलमेट गायब करेगा, चार यूज़ करने पे चार और छः यूज़ करने पे छः। फिर ओडिन सैक्रिफाइस, ये थोड़ा ट्रिकी है, ये कम ही यूज़ करता हूँ मैं। आफ्टर द रेजोल्यूशन फेस में क्या होता है कि अपने हेल्थ टोकन सैक्रिफाइस करने से आपको गॉड फेवर टोकन मिलता है, तो ये बहुत ही कम यूज़ करता हूँ, क्योंकि गॉड हेल्थ अगर पहले अपनी ख़त्म हो जाएगी तो अपोनेंट की जीतने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, तो मैं हेल्थ टोकन नहीं सैक्रिफाइस करता हूँ। तो ये मेरा प्ले स्टाइल है। बाकी छः गॉड फेवर टोकन यूज़ करोगे तो तीन गॉड फेवर टोकन मिलेंगे पर हेल्थ टोकन, ठीक है। तो आपको चूज़ करने कितने टोकन आपको सैक्रिफाइस करने हैं। मान लो दो टोकन आप हेल्थ टोकन आप सैक्रिफाइस करते हो तो तीन गॉड फेवर टोकन पर मिलेगा, तो तीन तीन छः मिल जाएगा, तो छः यूज़ करने पे छः मिलेगा, कोई फ़ायदा नहीं होता है इसमें। तो बड़े ही उस पर यूज़ करना चाहिए ये। फिर उसके बाद टायर्स प्लेज सैक्रिफाइस, अपने हेल्थ टोकन करोगे आप, ठीक है, और डिस अपोनेंट के जो गॉड फेवर टोकन है वो माइनस हो जाएंगे। तो आप चार अगर गॉड फेवर टोकन अपने यूज़ करते हो और दो हेल्थ टोकन हटाते हो, ठीक है, तो जो अपोनेंट के उसके चार हेल्थ टोकन उसके चार गॉड फेवर टोकन सॉरी गॉड फेवर टोकन हट जाएंगे। तो ये भी उस तरह से ही काम करता है, सैक्रिफाइस वाले उस पे ही काम करता है। सैक्रिफाइस कोशिश करना है कि नहीं करना है सैक्रिफाइस, नहीं तो हारने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। हैमडाइल वॉच हील हेल्थ फॉर ईच अटैक यू ब्लॉक, तो चार गॉड फेवर टोकन यूज़ करते हो तो एक हेल्थ मिलेगा आपको ब्लॉक करने, ब्लॉक करने पे कैसे, आपके शील्ड और हेलमेट पे अगर अटैक होता है, मान लो आप एरो से शील्ड पे अटैक हुआ ब्लॉक हो गया, एक्स से हेलमेट पे अटैक हुआ तो ब्लॉक हो गया, तो चार टोकन जब आपने यूज़ करे गॉड फेवर टोकन, आपने हैमडल वॉच का गॉड फेवर यूज़ किया है, तो एक ब्लॉक पे एक आपकी हेल्थ रीजनरेट हो जाएगी, एक हेल्थ टोकन आपका बढ़ जाएगा। फिर यह है उलर्स एम, इसमें क्या होता है ओपोनेंट की शील्ड आप गायब कर सकते हो, तो इसमें क्या होता है दो गॉड फेवर टोकन यूज़ करने पे दो एरो आपकी होगी वो दो शील्ड को इग्नोर कर देगी, इस तरह तीन इस तरह चार। फिर आपका स्कल्ड क्लेम, इसमें क्या होता है अपोनेंट का जो गॉड फेवर टोकन होता है वो डिस्ट्रॉय करो जितनी आपकी एरो फेसेस डाई में आपने कंफर्म की है, मान लो तीन एरो आपने कंफर्म करी हुई है डाई फेसेस अपने, तो चार गॉड फेवर टोकन यूज़ करके आप स्कल्ड क्लेम यूज़ करते हो तो माइनस टू पर डाई हो जाएगा, तो अपोनेंट के कितने हो जाएंगे छः गॉड फेवर टोकन गायब हो जाएंगे। थाइमिर थेफ्ट, इसमें क्या होता है अपोनेंट, इसमें क्या होता है रिड्यू अपोनेंट ने मान लो गॉड फेवर नौ टोकन, मतलब अब मान लो उलर एम का ही ले लो, उसने अपोनेंट ने चार गॉड टोकन किए तो छः उसकी जो तीर हैं वो इग्नोर करेगी छः शील्ड को आपको, लेकिन आपने अगर यह यूज़ कर लिया तो छः की बजाय तीन ही उसकी एरो इग्नोर करेगी, तो एक लेवल अपोनेंट को गॉड फेवर कम हो जाता है इससे, ठीक है। लोकी स्ट्रिक में क्या होता है आप अपोनेंट की डाइस गैप कर सकते हो, तो अपोनेंट की डाइस को बैन करना या गैप करना, तो तीन गॉड फेवर टोकन यूज़ करते हो तो एक गैप कर दो अपोनेंट की डाइस, छः तो दो नौ तो तीन, ठीक है। तो ये अपने हो गए गॉड फेवर्स, आपको यूज़ कैसे करने हैं, एक आध गॉड फेवर आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। इसको मैं हटा देता हूँ, इसको मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ रीजनरेट कैसे होगा और ये मेजॉरिटी में कैसे आएगा और थॉर स्ट्राइक कैसे होगा, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ गेम। तो पहले अपोनेंट खेलेगा, टॉस जीता उसने, अपने को एज इट इज कोशिश करना है कि टोकन्स अपने पास ज़्यादा हैं।
ठीक है, मेरे पास अब कम टोकन हो गए क्योंकि मेरे डाई फेसेस ही नहीं आए थे। फिर से रोल करते हैं। ये राउंड मेरे ख्याल से ओपोनेंट जीतेगा क्योंकि उसके बाद गॉड फेवर्स बहुत सारे हो जाएंगे। अब मैं गॉड फेयर यूज़ करूँगा, मैं चार यूज़ करता हूँ तो, लेकिन अभी यूज़ नहीं कर पाऊँगा क्योंकि वो मैं चुरा लेंगे जितना मैं गेन करूँगा, तो मैं स्किप करता हूँ। तो मैं ये यूज़ करता हूँ। ओके, उसने इंक्रीज कर लिया अपना हेल्थ। ओके, मुझे तो टोकन चुराने पड़ेंगे उसके क्योंकि मेरे पास है नहीं। अब मैं हील करता हूँ अपने आप को, ठीक है। अभी मैं यही यूज़ करूँगा दोबारा से। दो थेफ्ट क्या गया उसके। नाइस, हाँ टोकन सारे आ गए उसके, टोकन फेसेस।
अभी नहीं यूज़ करूँगा। नाइस। अब मैं अपनी हेल्थ यूज़ करूँगा पूरी, क्योंकि अगले राउंड में नहीं तो मर जाऊँगा। थोड़ा अटैकिंग खेलना पड़ेगा। इंटरेस्टिंग। Okay. दो टोकन्स को चुनाएंगे और हम करेंगे स्ट्राइक। अब इसी में अपने को अटैकिंग करना है, क्योंकि पहली चांस मेरी है, तो अपने को अटैक करना है इसमें। इंटरेस्टिंग। यही चांस है बस। एक ये, एक ये, एक ये। ओके ये नहीं यूज करेंगे। किप को दो ही तो मानने। वो अपनी हेल्थ रिजनरेट करने की कोशिश करेगा, मेरे को मारना है। देखा, हेल्थ रिजनरेट करेगा अपनी। यस, जीत गया।
ठीक है, तो इस तरह करना है आपको। मैं हार रहा था फिर भी मैं जीत गया। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। वैसे मैं अपना DIY और लॉग गेम भी बना रहा हूँ।